हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाला एंड आई एम रफीक हियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? बिल्कुल क्लियर है, पास्ट में कोई भी काम परफेक्ट है फिर भी आगे क्या है, कंटिन्यू है, चल रहा है, हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। बिल्कुल सही। अगर देखते हैं हम यहाँ पे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लिखते हैं तो पास्ट में यहाँ पे लिखा है कि पास्ट और कोई भी काम उसके बाद क्या है, परफेक्ट है, उसके बाद कोई काम कंटिन्यू है, चल रहा है, हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो चलते हैं आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड यूज करना, उसके बाद बीन यूज करना, हैड बीन के बाद वर्ब की आईएनजी यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या है, सिंस या फॉर है। थोड़ा आप रिमाइंड आपको मैं करा दूं, लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था। वहां पे क्या था, हैज और हैव, बाकी सारी चीजें सेम थी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यहां पे हम लोग को डिस्कस करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी काम पास्ट में परफेक्ट है बट आगे कंटिन्यू है, होता आ रहा था, बहुत दिनों से चलता आ रहा था, उसके लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वह 2 सालों से पढ़ा रहा था, अब मे बी नहीं पढ़ा रहा हो, तो आपने कहा कि वह 2 सालों से पढ़ा रहा था, तो उसकी इंग्लिश हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही हैड बीन टीचिंग। अब 2 सालों से, तो आगे हमें टाइम को मेंशन कर देना है, 2 सालों से, तो क्या बोले इंग्लिश, ही हैड बीन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स, वह 2 सालों से पढ़ा रहा था, या वह 2 साल से पढ़ा रहा था। मैंने कहा कि हम लोग 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे थे। तो आओ चलते हैं, कुछ पहले सेंटेंस हिंदी में लिख लेते हैं, फिर उसे इंग्लिश में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सेंटेंस पहला है, वह सुबह से खेल रहा था, वह सुबह से खेल रहा था, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी वो डिस्कस करना है हमें, ठीक है। फिर से थोड़ा एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, और सिर्फ अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब होता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि टाइम को मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे। अगर टाइम को मेंशन किया जा रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, या अगर टाइम को मेंशन नहीं भी किया जाता है तो एक दिमाग में सेट करके चल रहे हैं कि कोई भी काम हो रहा था बहुत दिनों से, हमें ये इंग्लिश में बोलना है, तो उसके लिए ये टेंस यूज करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ कोई काम हो रहा था, थोड़ी देर के लिए हो रहा था, या थोड़ी देर से हो रहा था, सॉरी थोड़ी देर के लिए हो रहा था, तो वहां पे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कि वह सुबह से खेल रहा था, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सब्जेक्ट चाहिए पहले हमें, तो सब्जेक्ट कौन है, वह, ही के बाद क्या यूज करेंगे, हैड, ही हैड बीन, आगे क्या होगा, ही हैड बीन, वर्ब आई एन जी फॉर्म चाहिए, तो वर्ब कौन है यहाँ पे, खेल रहा था, तो प्ले की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले खेलना, तो प्ले की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग। अब आता है सेंटेंस सुबह से, तो इसकी इंग्लिश क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंस मॉर्निंग। गाइज अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो लास्ट टाइम में मैंने डिस्कस किया था सिंस और फोर का कहां पे यूज करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे फिर से, सिंस फोर का यूज कहां पे करते हैं, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, जो निश्चित समय पता चले वहां पे क्या होगा, सिंस यूज करेंगे। और फोर कहां यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे टाइम पीरियड हो टाइम का, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम मतलब टाइम अनिश्चित हो, निश्चित नहीं हो, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, फोर। अगर आप देखें वैसे दूसरे तरीके से, तो जहां पे भी देखें आप, कोई चीज की काउंटिंग से हो रही है, कोई काम क्या हो रहा है, एक काउंटिंग में आ जाए, एक गिनती में आ जाए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, फोर। जैसे 2 साल से, 4 साल से, 20 साल से एक काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन सुबह से इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो सुबह से काउंटिंग नहीं कर सकते तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। लेकिन वही है, 2 घंटे से, 4 घंटे से काउंटिंग कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में लोग, फोर, 4 आवर्स, 4 दिन से, तो फोर डेज, 10 दिनों से, तो क्या बोलेंगे, फॉर 10 डेज, तो वहां पे फॉर यूज करना है। तो वैसे यहाँ पे भी मैंने सेंटेंस में लिखा है, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा था। अगर सेंटेंस जैसे यहाँ पे दूसरा है कि वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो इंग्लिश क्या बोलेंगे हम लोग, ही, और ही के साथ क्या यूज करेंगे आगे, हैड, हैड के बाद क्या यूज करना है, बीन, ही हैड बीन, और वर्ब आईएनजी, वर्ब कौन है इसमें, इंतजार करना, तो वेट मतलब इंतजार करना, तो वेट की फोर्थ फॉर्म क्या बोलेंगे, वेटिंग, ही हैड बीन वेटिंग। अब यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, तुम्हारा, किसी का इंतजार करना, तो वेटिंग के बाद फोर यूज करते हैं, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू। अब आगे सेंटेंस है कि 2 घंटे से, ये टाइम है 2 घंटे से, काउंटिंग में है, तो फोर यूज करेंगे, फोर 2 घंटे से, तो क्या बोलेंगे, फोर 2 आवर्स। अब पूरा सेंटेंस हो गया, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, वो तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार
कर रहा था। जैसे सेंटेंस है सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे पहले क्या सेंटेंस देखना है, बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लेंगे हम लोग, इट लेंगे, ठीक है। इट हैड बीन। अब वर्ब देखते हैं, यहाँ पे वर्ब क्या है, बारिश होना, तो रेन की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, रेनिंग। इट हैड बीन रेनिंग, बारिश हो रही थी सुबह से। हाँ, उससे पहले क्या है, मूसलाधार, तो इसकी इंग्लिश हम लोग क्या बोलेंगे, इट हैड बीन रेनिंग। कैट्स एंड डॉग्स क्या बोलेंगे, कैट्स एंड डॉग्स यानी बिल्ली कुत्ते। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब यहाँ पे जो है, कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार, रेगुलर, ठीक है। तो इट हैड बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सुबह से, तो आगे इंग्लिश क्या बोलेंगे हम लोग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी। अब जो सेंटेंस है, वह बचपन से क्रिकेट खेल रहा था, तो अभी नहीं, बचपन से क्रिकेट खेल रहा था। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, वह, तो ही, और ही के साथ क्या यूज करना, आगे हैड यूज करना, हैड के बाद क्या रखना है, बीन, और वर्ब कौन इसमें, खेल रहा था, तो प्ले की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेइंग। क्या खेल रहा था, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, बचपन से, तो यहाँ पे भी काउंटिंग नहीं कर सकते, टाइम निश्चित समय पर चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से वह क्रिकेट खेल रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो क्या होगा, आई के बाद क्या यूज करेंगे, हैड के बाद बीन, आई हैड बीन। वर्ब कौन है इसमें, पढ़ रहा था, तो रीड है अगर, तो रीड की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, रीडिंग। स्टडी है तो स्टडिंग, आई हैड बीन रीडिंग अब सुबह से, तो इंग्लिश क्या बोल दूंगा मैं यहाँ पे आगे, सिंस मॉर्निंग। आगे सेंटेंस है, बच्चा सुबह से खेल रहा था, अब सब्जेक्ट कौन है इसमें, बच्चा, तो क्या बोलेंगे, द चाइल्ड हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंजुगेट यूज कर रहे हैं हम लोग, द चाइल्ड हैड बीन, अब खेल रहा था, वर्ब कौन है इसमें, खेलना, तो प्ले की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेइंग। द चाइल्ड हैड बीन प्लेइंग कब से, सुबह से, तो क्या बोलेंगे आगे इंग्लिश हम लोग, सिंस मॉर्निंग। आपको करना यही है कि स्ट्रक्चर याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद क्या होना है। अगर आप दो चार सेंटेंस रिपीटेडली बोलते हैं या फिर उसे लिखते हैं तो खुद ही याद हो जाएगा, फिर आपको आगे ध्यान रखना कि सिंस और फॉर है। जैसे आपने कहा कि वह सुबह से, वह मुझे कई दिन से फॉलो कर रहा था, तो आप इंग्लिश क्या बोलेंगे, ही हैड बीन फॉलोइंग मी। अब सब्जेक्ट देखना है कौन फॉलो कर रहा था, अगर हिंदी नहीं भी लिखते हैं तो बोलने के लिए हमें प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, हिंदी सोच ले फिर से इंग्लिश में बोले, हिंदी पहले मैंने सोच लिया कि वह सुबह से, सॉरी, वह कई दिनों से मुझे फॉलो कर रहा था, तो सब्जेक्ट कौन है, वह, तो ही हैड बीन, आगे ही के बाद तो ये सारे फॉलो होना ही है, लिखना ही है हमें, तो ही हैड बीन फॉलोइंग मी, मुझे फॉलो कर रहा था कोई भी दो दिन से, तो क्या बोलेंगे आगे, फॉर टू डेज। आपने कहा सर वो कई दिनों से मुझे फॉलो कर रहा था, तो ही हैड बीन फॉलोइंग मी कई दिनों से, तो क्या बोलेंगे, फॉर Several days. तो ऐसे sentence होते हैं, तो वहाँ पे had been use कर लें। जैसे आपने कहा कि वह दो घंटे से ऐसा कर रहा था, वे एक ही सवाल दो घंटे से पूछ रहा था, तो पूछ रहा था उसके लिए शे होगी, he had been asking the same question for 2 hours. वह दो घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो फिर आप इंग्लिश ही बोलेंगे, he had been playing cricket for 2 hours. हाँ, अगर टाइम हो, निश्चित समय हो, जैसे जनवरी से, तो क्या बोलेंगे, सिंस जनवरी। 2001 से, तो क्या बोलेंगे, सिंस 2001। आपने कहा वो 2001 से दिल्ली में रह रहा था, तो दिल्ली में रह रहा था, पहले इसकी इंग्लिश होगी, ही हैड, सब्जेक्ट कौन है, वह रह रहा था, वह जिसकी बात कर रहे हैं, तो ही हैड बीन, ये तो आगे स्ट्रक्चर में लिखा ही हुआ, ही हैड बीन। अब वर्ब कौन है, रहना, तो ही हैड बीन लिविंग, कहां रह रहा था, दिल्ली में, ऑब्जेक्ट दिल्ली में, तो ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, कब से, 2001 से, तो निश्चित टाइम है, तो क्या बोलेंगे, सिंस 2001। अगर यही होता दो साल से, चार साल से, दस साल से, एक काउंटिंग में आ जाता, एक गिनती में आ जाता, तो फिर फोर। मतलब कहने का है कि अपने टेक्निक लगाकर थोड़ा ये देखें कि कोई चीज को हम किसी भी टाइम को एक गिनती कर सकते हैं, जैसे दो साल से, दस साल से, बीस साल से एक गिनती में आ रहा है, तो वहां पे हम फोर यूज करते हैं। अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम समझ में आता है तो दैट्स ऑल राइट, ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना टेक्निक लगा के ऐसे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ पे फोर लगाना और कहाँ पे सिंस लगाना है। इसी तरीके से आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहें। नेगेटिव बोलेंगे तो हैड के बाद नोट लगा सकते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं वहां कई दिनों से नहीं जा रहा था, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, तो आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर मैनी डेज, ठीक है, मैं कई दिनों से वहां, बहुत दिनों से मैं वहां नहीं जा रहा था। वैसे पॉजिटिव सेंटेंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।